दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, बोरे बोरे पर लिखा है चुराने वाले का नाम। यह कहावत चतरा में सच होते दिखाई देता है। बता दे कि चतरा सदर प्रखंड बरामन्ना पंचायत के गेरी गांव के डीलर मंजू देवी पति किशन यादव पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आरोपी नहीं आरोप को सत्य करके दिखाया। ग्रामीणों ने कल रात्रि करीब 9 बजे उसके घर से एक पिकअप वैन निकला जिसे ग्रामीणों द्वारा रोका गया। रोके जाने पर ड्राइवर घबरा कर चतरा आने के बजाय बरेली की ओर रुख कर लिया। लोगों ने पीछा कर उसे रोका तो उस पर चावल लोड मिला। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सदर थाना को सूचित किया। सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी मनोहर कर्मारी ने घटनास्थल पर पहुंचा तो ग्रामीणों ने अनाज लोड गाड़ी चालक व लेबर को सुपुर्द किया। बाद में सूचना मिलने पर सदर प्रखंड BDO गणेश रजक ने सुबह में डीलर के घर पहुंच जांच करने की कोशिश की तो डीलर मंजू देवी व उसके पति नहीं मिले। BDO ने बताया कि उसकी सूचना जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को दी गई है, उसके द्वारा जांच टीम गठित कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने डीलर से अनाज कम देने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि मनमाने तरीके से अनाज वितरण करता है, विरोध करने पर कार्ड रद्द करने और अनाज ना देने की भी धमकी डीलर द्वारा दी जाती है। BDO ने खुद आप सुने क्या कहते हैं ग्रामीण। मामला है सर कि एक 9:30 के करीब किशन यादव के घर से एक पिकअप माल निकल रहा था तो हम लोग लाइट देखते हुए शक बुझाया हमको कि उसको घर से माल आज जा रहा है निकल करके, तो मोटरसाइकिल से हम जैसे घर से निकाले वैसे ही देख करके गाड़ी वो वैसे ही उधर ही घुमा दिया बरनी तरफ, तो हम पीछा कर गाड़ी से पीछा करके आगे जा करके रोके उसको और रोक करके थाना प्रभारी को फ़ोन किए। थाना प्रभारी आया फिर थाना प्रभारी ने उनको पूछा कबूल किया कि माल कहाँ से उठाए तो बोला किशन यादव घर से उठाए हैं, मंजू देवी उसका पत्नी के नाम पत्नी है। क्या था लोड में उसमें? चावल था। अच्छा, फिर गाड़ी को कहाँ है? गाड़ी भी थाना में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केदार यादव। ये है रात को समय करीब 9:30 किशन मंजू देवी पति किशन यादव के घर के पास माल लोडिंग हो रहा था 9:30 रात को, तो हम उधर से आ रहे तो देखो को वहाँ से उसको घर से निकल रहा था तो हम लोग हाथ दिए तो नहीं रुका गाड़ी, गाड़ी को पीछा किए ताकि हमारा वो अथी है गेरी सोड़ा नदी के ऊपर थम के पास पकड़े उसको, तो देखे चावल लोड है, हम लोग चावल लोड जाए तो हम लोग फिर फ़ोन किए थाना बड़ा बाबू के, बड़ा बाबू फ़ोन किए तो बड़ा बाबू फिर आया है ना, उसके बाद हम लोग फिर थाने साथे गए, फिर थाना साथे गए उसके बाद फिर बड़ा बाबू उन लोग के फिर पकड़ा है ना, फिर बड़ा बाबू इसको किशन यादव घर पर उठाया, फिर उसको घर में नहीं था किशन यादव भाग गया था और फिर हम लोग फिर आए सुबह आए सुबह नहीं है 3:30 बजे 4 बजे घर में आए 3:30 बजे, उसके बाद में BDO साहब भी आए तो आए तो BDO साहब देखे घर में ताला लगा था उसका ना, दुकान में ताला लगा था और बच्ची उसको बोला कि पापा घर में नहीं है। क्या दुकान सील भी किया गया है? दुकान तो सील किया नहीं बता सकते हैं कि यहाँ किया नहीं किया हम नहीं बता सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार यादव। बोलिए ईटा पाखा तौला हथी और 2-3 दिन मैंने दौड़ावा भी हथी और अनाज भी कम तौल के देवा हथी और फिर जाहि से खेखाट के भी भगा भी देवा थी, एक बार जहाँ जाए को तहाँ चल जाए ना ही राशन भेट दो महीना से राशन में देता थी और ठेपा लेके और राशन देवे न कर थी। डीलर मंजू देवी नाम है और उसको पति के नाम है किशन यादव। किशन यादव के पत्नी का नाम है मंजू देवी, वो डीलर है और चावल वाल जाता है करीब आदमी लाने के लिए तो रात के बुलाता है 4 बजे में कार्ड लगाइए और उसके बाद नहीं कि लेज के देता है टॉल में पत्थर ईटा तौल के और चावल देता है एक दिन के बाद और धमकी भी देता है ज़्यादा बोलेगा तो चावल नहीं देंगे बोल सला हटा देंगे। कितना राशन देता है? आदमी पर काट लेता है 3 किलो 2 किलो मन मना जे मन से देता है वही है कि राशन में दिक्कत है नहीं दे रहा है और तेल उल भी इसे नहीं देता है अनाज ठीक से नहीं देता है, 1 महीने चोरी भी कर लेता है जब मन इसे करता है 2 किलो काटता है कभी 3 किलो काट लेता है आदमी पर। मंजू देवी है। क्या है मामला आपका? राशन काट के देता है राशन नहीं देता है, ईटा काटता है राशन 3 किलो आदमी पर काट लेता है। अच्छा, ईटा पाथन तौल के देता है महीना में राशन नहीं देता है, हर महीना काटा है राशन काट लेता है हमें पर। क्या कहता है? पाथन ईटा से चाहता है और काट लेता है राशन नहीं देता है, कहता है कि नहीं अभी राशन गिरले नहीं है। क्या नाम है? हमारा उषा देवी।